दोनों की जीवन में आवश्यकता है, शौर्य और धैर्य। शौर्य, हम अपने जीवन में शौर्य किसको माने? किससे लड़ाई हो रही जिसको, जिसके ऊपर आपको शौर्य दिखाना है? दो तरह के शत्रु हैं, एक बाह्य शत्रु और एक आभ्यंतर शत्रु। ये दो प्रकार के शत्रु हैं, बाहरी शत्रु और भीतरी शत्रु। बाहरी शत्रु महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही विनाशी हैं, न सदा से थे और न सदा रहेंगे। पर ये भीतर के जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, ये तो अनंत जन्मों से भीतर ही घुसे हुए हैं, और शरीर भरी बदल जाए ये पीछे छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि अंतःकरण में संस्कार के रूप में ये शत्रु घुसे रहते हैं। काम क्रोधादि षड विकार वो अंतः शत्रु के रूप में भीतर प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वस्तुतः शौर्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा एकादश स्कंद में, स्वभाव विजय शौर्यम, स्वभाव को जीत लेना, इसी का नाम है शौर्य। आपने यदि अपनी बुरी प्रवृत्तियों को अपने जीवन में नियंत्रित कर लिया, उनको जीत लिया, तो आप सच्चे शौर्य शूर हैं। और धैर्य क्या है? वर्तमान युग के अनुसार हम धैर्य किसको समझें? अपनी दुष्प्रवृत्तियों से लड़ना और उनको परास्त करके उनको जीत लेना, यह है शौर्य। और धैर्य क्या है? भयंकर युग है, भयंकर कलिकाल है, लेकिन धत्ते धैर्यम तुयो धीमान सधीर पंडितो तवा। इस प्रचंड समय में, भयंकर समय में भी अपने जीवन की सच्चाई, अपने जीवन की सच्चरित्रता को बरकरार रखना, सुरक्षित रखना, यह है धैर्य। ऐसा नहीं कि समय की आंधी में हम भी उड़ जाएं, समय के प्रवाह में बह जाएं। कूड़ा करकट गंदगी ऊटपटांग चीजें सब बह जाती हैं बाढ़ के समय, बढ़ती नहीं गंदगी बहती नहीं बाढ़ के समय की नहीं बहती है। हमारे यहाँ पूरे जमुना किनारे की सफाई हो जाती बाढ़ के बाद, जमुना जी के किनारे की सब गंदगी चली जाती। लेकिन नदियों के मध्य में बड़ी बड़ी चट्टाने पड़ी हैं, हजारों बार बाढ़ आई और उतर गई, पर चट्टान प्रवाह में बही नहीं, चट्टान यथावत पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी चट्टाने देख लो, बेतवा जी में देख लो, नर्मदा जी में देख लो, और जहां पहाड़ी क्षेत्र में गंगा जी है वहां देख लो। समय के प्रवाह में गंदगी बहती है, कूड़े करकट बहते हैं। कूड़े करकट जैसा अपना अस्तित्व मत बनाओ, अपना अस्तित्व एक अडिग चट्टान के जैसा अपना अस्तित्व निर्मित करो, जो चाहे जैसी समय की आंधी आवे, चाहे जैसी समय की बाढ़ आवे, पर हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। बाढ़ आई और उतर के चली गई, हम जहां थे जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। प्रवाह में बहना अच्छा नहीं है। हमें अपनी जन्मदात्री माता की एक बात याद आती है। हमने आज के पहले कभी ये बात कही नहीं है, पहली बार कह रहा हूं। तब हम वृंदावन नहीं पहुंचे थे, ये बात होगी सन 81 से पहले की बात होगी। सन 1981 में हम महाराज जी के चरणों में वृंदावन पहुंच गए थे, तो बहुत छोटी अवस्था थी, 9-10 वर्ष की अवस्था कौन सी बहुत बड़ी अवस्था होती है। एक रिश्तेदारी में गए, वे बुंदेलखंड क्षेत्र में ब्राह्मणों में प्याज खाते हैं लोग ही नहीं खाते हैं? खाते हैं बोलो। अब तो और
पहले तो प्याजे ही खाते थे, अब तो और ऊटपटंग, अब तो उन्नति हो गई ना, अब तो और कुछ भी खाने पीने लग गए, विकास हो गया। उस समय भी प्याज जो है कुछ कुछ लोग खाने लग गए थे। तो किसी रिश्तेदारी में गए तो वहां साग में प्याज पड़ी हुई थी और सब खा रहे थे, तो हमने भी खा लिया, जनेऊ हमारा हो गया था। कोई ऐसे ही लौकिक प्रसंग था, उसी में हमारी माताजी, हम लोग सब गए थे, छोटे बच्चे थे, तो माताजी ने देख लिया, कान पकड़ा हमारा, खाते खाते एक कृपा की उन्होंने, कहा तुम कैसे बैठे यहां खाने के लिए, कैसे तुमने खाया यहां? तो जिनके घर में यह घटना घटी उन्होंने कहा कि कैसा व्यवहार है तुम्हारा, भोजन के समय कुत्ते को भी नहीं मारते, तो मोड़ा पे बिल्कुल दया नहीं, क्या कर रही हो? उन्होंने कहा देखो तुम्हारे घर के जो संस्कार हैं वो तुम उनके अनुसार अपने बच्चों को डालो, हम अपने बालकों के संस्कार बिगड़ने नहीं देंगे। हमारे घर में भगवान को भोग लगने के पहले कोई कुछ भी खाता पीता नहीं है, अपरस में भगवान की रसोई बनती है, हमारे यहाँ कोई जानता नहीं प्याज लहसुन कहते किसको हैं, अभी प्याज लहसुन खाएगा फिर कभी और कुछ भी खाएगा। बोले हमारा काम हो गया, हम आज ही यहाँ से जा रहे हैं। हमको उस समय तो बड़ी पीड़ा हुई, बच्चे ही थे रोने लगे, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसी माँ भगवान ने कृपा करके हमको दी, जिसने बचपन से हमको इतना संभाला, नहीं खाने दिया, एकाध ग्रास तो खा लिया था लेकिन भोजन नहीं करने दिया, तुरंत आ गई और उठा के ले गई। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।